हाउस आपसे अब सिर्फ 200 मीटर की दूरी बता रहा है। आप पास में ही है सर। ठीक है। तूने सही कहा था पृथ्वी, इस सब का जिम्मेदार मैं ही हूं। तुम्हें किडनैप करने का प्लान मेरा ही था। मैं जानता हूं कि एक चुटकी में तुम हम सबको मार सकती हो। आज ये नौबत भी आ गई है और आज ये जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूं। किसी को मारना चाहती हो तो मुझे मारो प्लीज। इनमें से किसी को भी तकलीफ मत पहुंचाओ। तुम्हारा गुनहगार मैं हूं। मार डालो मुझे, मार डालो। हम लोगों को पता था कि अजय गुनहगार है, फिर भी हम लोगों ने उसका साथ दिया है। इसका मतलब हम सब गुनहगार हैं। तो फिर तुम इस अकेले को सजा क्यों दे रही हो? जब इसने हमें प्लान बताया था तब हम सब मान गए थे, क्योंकि हमें पैसे चाहिए थे। हम सब लालची हैं, गलती हम सब की है। हम सबको मार दो, सबको मार दो। जरा भी हिम्मत नहीं है, मैं मरना नहीं चाहता, मगर इस सब में मैं भी शामिल हूँ। इसने मुझे मार डालो, मार डालो, मार डालो। जब हम यहाँ आए थे तो हम सब साथ में थे, इसलिए हम सबको जीने का कोई हक नहीं है। मार डालो हमें, मार डालो, मार डालो। आज तक जिंदगी के हर मोड़ पर जो कुछ भी सामने आया हमने डटकर मुकाबला किया है। जो कुछ भी सहा है हमने साथ में सहा है। अब चाहे जो भी हो, मरना भी पड़े तो हम साथ में मरेंगे। इसीलिए मार दो हमें। अगर तुम्हें मारना ही है तो हम सबको एक साथ मार दो। अगर तुम हमारे साथी को मार दोगे तो हमारे जीने का कोई हक नहीं है। अजय, आंखें खोलो अजय, 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 कुछ बोलो अजय। तुम्हारी मौत बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे ये क्या कर रहे हो? घर पर हमारा बच्चा है, डर जाएगा ना ये। गन नीचे करो प्लीज। मैं वापस इसी घर में कैसे आ गया? अरुण, क्या मोबाइल का पता चला तुम्हें? हेलो, सुन रहे हो ना? हेलो अरुण, अरुण,
ये क्या हो रहा है? तुम सबको मौत चाहिए ना? मौत क्या चीज होती है इसका अनुमान लगाना भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्या बुरा है क्या अच्छा इसके बीच की लड़ाई बाहरी दुनिया के बजाय हमारे अंदर ज्यादा होती है। अगर अच्छाई जीते तो समाज को फायदा होता है, और अगर बुराई जीत जाए तो अच्छे समाज का अंत हो जाता है। तुम में से किसी ने भी बुराई और अच्छाई के बीच की लड़ाई नहीं जीती है। जीत तो हुई है तुम्हारे स्वार्थ की, ईर्ष्या की और लालच की। लेकिन मैं तुम में से किसी को भी नहीं मारूंगी। तुम सब पहले ही आधे मर चुके हो और आगे भी मरते रहोगे। ये सारी यादें तुम्हारी सभी गलतियों को याद दिलाती रहेंगी और तिल तिल तुम्हें मारती रहेंगी। जानती हो इस लॉकडाउन के दौरान मेरे दिल में बहुत याद किया। दीपा, घबराना मत दीपा, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं अपना आदर्श नहीं हूँ। देखो मैं उसका सामना कैसे करूंगा। सुनो, मैंने उसे भी देख लिया। अरे कुछ हो गया तो? मैं परफेक्ट है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने दीपा के साथ यहाँ कर दिया है। ऐसे मिलेंगे तो दूसरी लड़की भी मिल जाएगी। पक्का ना कि ये सिर्फ हमारे शादी का ही वैलिड है? आई हेट यू सुनी, आई हेट यू, आई हेट यू। तुम्हारी मृत्यु अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों पर ही निर्भर करती है। आना, जैसी आपकी सोच है उसे देखकर नहीं लगता कि आप कोई राक्षस या शैतान हैं। तो फिर आप कौन हैं?